नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एजुटेरिया करंट अफेयर बुक के नए एडिशन में दिए गए वन लाइनर प्रश्नों को, जो कि जनवरी 2023 से लेकर जून 2023 के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित हैं। दोस्तों एजुटेरिया करंट अफेयर बुक के पहले पार्ट की वीडियो में हमने राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को पूरा किया था। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो को आप प्लीज जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपके आगे होने वाली परीक्षाओं के लिए, इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं वर्ष 2023 के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों को। सबसे पहले हमें दिया गया है इसमें जून 2023 का वन लाइनर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर्स। हम जून 2023 से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों हमारे पास पहला है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में लिब्रेशन वार गैलरी का उद्घाटन किया गया। इसमें 1971 के संग्राम में शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। ये आप जरूर याद रखिए कि लिब्रेशन वार जो गैलरी है इसका उद्घाटन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में किया गया है, यानी कि भारतीय सांस्कृतिक केंद्र है उसमें बनाया गया है लिब्रेशन वार गैलरी को। ये जो बनाई गई है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बनाई गई है और इसमें 1971 के जो युद्ध हुआ था उसमें शहीद हुए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदर्शित किया गया है। दूसरा हमारे पास है, चीन की आक्रामकता को रोकने तथा सुरक्षित समुद्री वातावरण बनाए रखने के लिए नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया गया। नई दिल्ली में भारत और वियतनाम ने समुद्री सुरक्षा वार्ता का आयोजन किया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने वर्ष 2025 में संयुक्त अरब अमीरात को दुनिया के सबसे बड़े विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी सौंपी है। आप जरूर याद रखें कि विश्व संरक्षण कांग्रेस की जो मेजबानी है वो किसे सौंपी गई है, संयुक्त अरब अमीरात को, संयुक्त अरब अमीरात को। नाटो सदस्य देशों पर होने वाले हमले का जवाब देने के लिए जर्मनी में एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 25 देशों के 10,000 प्रतिभागी और 250 विमान हिस्सा लेंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देशों अल्जीरिया, गुयाना, सीरिया लियोन, स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य को 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। ये देश 1 जनवरी 2024 से अपना पद ग्रहण करेंगे। आप जरूर याद रखें कि हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा में 5 अस्थायी सदस्य देशों को, जैसे कौन कौन से हैं वो, अल्जीरिया, गुयाना, सीरिया लियोन, स्लोवेनिया तथा कोरिया गणराज्य है, इनको 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना गया है। अस्थायी 5 ये अस्थायी सदस्य देश संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो चुने गए हैं, तब से ये लेंगे अपने सदस्यता 1 जनवरी 2024 से ये अपनी सदस्यता यहाँ पर ग्रहण करेंगे। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम ने अटलांटिक घोषणा नाम से महत्वपूर्ण रणनीतिक समझौता किया है। इसका उद्देश्य आर्थिक अस्थिरता तथा चीन की प्रतिस्पर्धा से निपटना है। अमेरिका में पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अमेरिका में हिंदू समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने के लिए शहरों का चयन करना है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत की है। विश्व बैंक ने शुरू की है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना, ये भी आप जरूर याद रखें। बिम्बिस्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्बिस्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिम्बिस्टेक सदस्य देशों में ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत में बिम्बिस्टेक एनर्जी सेंटर स्थापित किया जाएगा। बिम्बिस्टेक एनर्जी सेंटर जो स्थापित किया जाएगा भारत में। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQAir द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पाकिस्तान का शहर लाहौर ने टॉप पर है और वहीं टॉप 10 प्रदूषित शहरों में 6 भारतीय शहर है, जिसमें भिवाड़ी राजस्थान का 3rd स्थान पर और दिल्ली जो है 4th स्थान पर है। दिल्ली NCT जो है वो 4th स्थान पर है। नाम्बिया में पहले भारत नाम्बिया संयुक्त आयोग की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता विदेश मंत्री जयशंकर ने की। लंदन में ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिभागियों ने भाग लिया। यह निवेशकों को निवेश संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हाल ही में अमेरिका ने यूनेस्को में पुनः शामिल होने की घोषणा की है। ज्ञात है कि अमेरिका 2019 में यूनेस्को से बाहर हो गया था। हाल ही में फिलीपींस में स्थित माउंट मयोनो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी एलस्ट्रॉम
को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। भारत ने फ्रांसीसी रेल कंपनी अल्स्टॉम को स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर दिया है। फिल्म, गेमिंग और कॉमिक्स जैसे क्षेत्रों के लिए फ्रांस में आयोजित होने वाले एनएसई इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भारत पहली बार अपना प्रतिनिधित्व करेगा। दोस्तों आगे हमारे पास मई 2023 का वन लाइनर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर। यूएई सरकार ने दुबई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य के बारे में ध्यान केंद्रित करने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञों को एक साथ लाना है। आप जरूर याद रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था मशीन कैन सी 2023, ये जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ है? दुबई में। ठीक है, दुबई में। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीजन और मेघालय के खासी हिल्स के बीच पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत शीर्ष पर है। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही रहे। भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा बुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिमा बुल्लर माल्डोनाडो जो है न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। इसके तहत भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। ये आप जरूर याद रखिए कि किन दो देशों के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। आंसर होगा आपका भारत और बांग्लादेश के बीच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर ली है। इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरि बुद्ध मगर अपने दोनों पैर ना होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। नेपाल के पूर्व गोरखा सैनिक हरि बुद्ध मगर जो है अपने दोनों पैर ना होने के बावजूद कृत्रिम पैरों से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में उपलब्धि हासिल उन्होंने की है। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड पहला देश बन गया है। यह कानून 2026 से प्रभावी होगा। यह आप जरूर याद रखें। भारत ने 42,000 भारतीयों को इजराइल में काम करने की अनुमति देने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया। मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया। हाल ही में नेपाल की सरकार ने वर्ष 2025 को पर्यटन के लिए विशेष वर्ष के रूप में घोषित किया। वहीं 2080 के दशक को विजिट नेपाल दशक घोषित किया है। हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम के दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 के विकास को अनुमति दी है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। ये आप जरूर याद रखें कि यूरोपीय संघ ने शुरुआत की है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। 55% तक कम करना है। फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवा नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तट रक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी। हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड रुकी ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल एम्बेसडर चुना है। हाल ही में भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। हाल ही में भारत ने कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। हाल ही में चिली के ग्रेट ग्रैंडफादर पेड़ जो कि 5,000 साल पुराना है को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है।
ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया है। इसका कारण है कि यहाँ भारतीयों की संख्या अधिक है। दोस्तों आगे हमारे पास अप्रैल 2023 का अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल हो गया है। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। हाल ही में फिनलैंड नाटो सैन्य संगठन में शामिल हो गया है। नाटो के सभी सदस्य देशों की सहमति के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है, आप जरूर याद रखें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने युगांडा यात्रा के दौरान वाराणसी की तुलसी घाट बहाली परियोजना की शुरुआत की। अफ्रीकी देश मोजम्बिक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया। यह जरूर याद रखें जो भारत द्वारा निर्मित है बुजी ब्रिज वो किस देश में बनाया गया है? अफ्रीकी देश मोजम्बिक में। PRET प्रीट पहल विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई है, जिसका पूरा नाम जो है यानी कि फुल फॉर्म में है प्री प्रिपेयरनेस एंड रेजिलियंस टू इमर्जिंग थ्रेट्स। उद्देश्य इसका भविष्य में COVID-19 जैसी महामारियों से निपटने के लिए बेहतर रणनीति बनाना। यूके के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 के उपयोग को स्वीकृति देने वाला घाना अफ्रीकी देश पहला देश बन गया है। हाल ही में चबहार बंदरगाह पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक मुंबई में आयोजित की गई। भारत और ईरान व्यापारिक संबंधों को बढ़ाने के लिए चबहार बंदरगाह का विकास कर रहे हैं। दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम। 20 अप्रैल को भारत और थाईलैंड के बीच रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई। भारत की ओर से रक्षा मंत्रालय में विदेश सचिव निवेदिता शुक्ला वर्मा ने भाग लिया। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर अमेरिका रहा 666 यूनिकॉर्न के साथ। दूसरे स्थान पर चीन रहा 316 यूनिकॉर्न के साथ। तीसरे स्थान पर हमारा भारत देश रहा जो कि 68 यूनिकॉर्न के साथ रहा। 29वां व अंतिम स्थान डेनमार्क ने प्राप्त किया है, जिसके पास 2 यूनिकॉर्न रहे। हाल ही में दुबई की एयरलाइन अमीरात ने सारा नामक दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया है। इसके तहत अब दुबई एयरपोर्ट पर चेक इन की प्रक्रिया रोबोट के माध्यम से की जाएगी, यानी कि रोबोट के माध्यम से होगी। भारत यूके विज्ञान और नवाचार परिषद की बैठक के दौरान भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग तथा डीकार्बोनाइजेशन की दिशा में कार्य किया जाएगा। दुबई में आयोजित वैश्विक शिक्षा प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया। यह जो प्रदर्शनी है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय विभाग तथा भारत सरकार के सहयोग से सेवा निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा आयोजित की गई। हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। आप जरूर याद रखें कि हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार तिब्बत दुनिया का सबसे कम स्वतंत्र देश है। वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2023 के अनुसार लंदन की संस्था हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी की गई दुनिया का सबसे अमीर जो शहर है वह न्यूयॉर्क सिटी इसमें बना है। दूसरे स्थान पर टोक्यो और भारतीय शहर मुंबई को इसमें 21वां स्थान मिला। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सीरिया दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है। सीरिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है, अर्थात सीरिया अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए नशीली चीज़ों का अधिकतम निर्यात करता है, ये आप जरूर याद रखें। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी दुनिया के आपराधिक देशों की सूची में वेनेजुएला प्रथम स्थान पर है। भारत इस सूची में 77वें स्थान पर है। भारत जो है वो सूची में 77वें स्थान पर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दो देशों तजाकिस्तान और अजरबैजान को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ये आप जरूर याद रखें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दो देश हैं तजाकिस्तान और अजरबैजान जिन्हें मलेरिया मुक्त घोषित किया है। हाल ही में अमेरिकी देश पेंसिल्वेनिया ने भारतीय त्यौहार दिवाली को आधिकारिक राज्य के अवकाश के रूप में मान्यता दी है। एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल द्वारा जारी 2022 के दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में अमेरिका का अटलांटा एयरपोर्ट शीर्ष पर है। वहीं भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 9वें स्थान पर इसमें रहा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में होने वाले बास्टिल डे परेड के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया। हाल ही में बहरीन ने देश में रोजगार सृजन और निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस जारी किया। यह लाइसेंस विभिन्न व्यवसायों को सेवाएं तथा लाभ प्रदान करेगा। भारत और नेपाल के बीच साझा मिथिला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नेपाल के मध्य प्रदेश के धनुषा जिले में जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। भारत की मेजबानी में 12 से 13 अप्रैल को शिक्षा मंत्रालय
द्वारा SCO युवा लेखक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। यह युवाओं को आधुनिक शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। दोस्तों आगे हमारे पास मार्च 2023 का अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में चीन तथा अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। हाल ही में मिस्र ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश बन गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। आप जरूर याद रखें कि जो ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसका जो नया सदस्य देश बना है वो मिस्र बना है। 29 मार्च 2023 को नई दिल्ली में SCO सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल ने की। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर प्रथम मंत्री चुने गए हैं। पाकिस्तान के हमजा यूसुफ स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर प्रथम मंत्री जो है वो चुने गए हैं। 22 से 24 मार्च 2023 तक संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आयोजित किया गया। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के लिए पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया। मार्च 2023 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश के पहले पनडुब्बी बेस BNS शेख हसीना का उद्घाटन किया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन 2023 के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने यूक्रेन में किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की PM शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। यह पाइपलाइन कुल 131.5 किलोमीटर लंबी है। इस पाइपलाइन का इस्तेमाल भारत से बांग्लादेश को डीजल आपूर्ति के लिए किया जाएगा। टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई, जिसमें दो भारतीय स्थान मयूरभंज ओडिशा और लद्दाख को शामिल किया गया है। 9 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र कम से कम विकसित देशों शिखर सम्मेलन दोहा कतर में आयोजित किया गया। भूटान जो है वो लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की सूची में नहीं होगा और सूची से स्नातक होने वाला यह 7वां देश बन जाएगा। इंडिया यूके यंग प्रोफेशनल्स स्कीम, यूके सरकार ने युवा पेशेवर योजना यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 18 साल से 30 साल की उम्र के भारतीय नागरिकों 2 साल तक ब्रिटेन में रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए भारत और विश्व बैंक ने $500 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। मार्च 2023 में न्यूजीलैंड के उत्तर में स्थित कैरमाडेक द्वीप समूह क्षेत्र में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इससे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश ये बना है। ये आप जरूर याद रखें। डेनमार्क ने उत्तरी सागर के 18,100 मीटर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया। डेनमार्क कार्बन डाइऑक्साइड का आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला विश्व का पहला देश है। भारत के नेतृत्व में नई दिल्ली के विज्ञान भवन ने साझा बौद्ध विरासत पर संघाई सहयोग संगठन का 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों ने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उच्च समुद्र संधि पर सहमति व्यक्त की। उच्च समुद्र संधि 2030 तक दुनिया के 30% अंतर्राष्ट्रीय जल को संचित क्षेत्रों में रखती है। इस संधि का उद्देश्य गहरे समुद्र में खनन जैसे संभावित प्रभावों से रक्षा करना है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, इसमें प्रथम स्थान पर रहा है डेनमार्क,
और भारत को स्थान दिया गया है इसमें 108वां। बेलारूस में मानवाधिकारों के एक प्रमुख रक्षक और 2022 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेक्स बेलियास्की को बेलारूस में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उन्हें सरकार के खिलाफ रेडियो के लिए धन जुटाने का दोषी पाया गया। हाल ही में IPCC ने जलवायु परिवर्तन 2023 संश्लेषण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार मानवीय गतिविधियां ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। भारत और लग्जमबर्ग ने 75 साल की दोस्ती का जश्न मनाने के लिए एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट लॉन्च किया है। 19वीं बिम्सटेक मंत्रिस्तरीय बैठक थाईलैंड की अध्यक्षता में आयोजित की गई। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क के मैनहट्टन संघीय जिला न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बने। 20 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा को मंजूरी दी। हाल ही में बुरुंडी में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो का मामला दर्ज किया गया। दोस्तों आगे हमारे पास फरवरी 2023 का अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया गया। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री जयशंकर ने किया। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। यह आप जरूर याद रखिए कि भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं रुचिरा कंबोज, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने फिजी की राजधानी युवा में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से अपनी 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत की। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे YouTube चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों आगे हमें दिया गया है G20 स्टे ऑफ सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की। G20 स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी की। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली की खपत करेगा। FAO/STAT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021 से 22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान दिया। FAO/STAT द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जिसने वर्ष 2021 से 22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान दिया। भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति की है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूक्रेन में रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफशान खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफशान खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग अप न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात तीनों देश इंडियन ओशियन ड्रीम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 7 नर एवं 5 मादा सहित कुल 12 चीतों को भारत लाया गया। उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया। दोस्तों आगे हमें दिया गया है जनवरी 2023 का वन लाइनर करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जनवरी 2023 में जिसे प्रकाशित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर जापान रहा और भारत का स्थान इसमें 85वां रहा। भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे महासभा द्वारा स्वीकार किया गया था। FAO ने रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया था। विदेश मंत्री जयशंकर की साइप्रस और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा के दौरान 2 जनवरी 2023 को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता एवं कार्यावकाश सहित कुल 5 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है, जिससे यह यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बन गया है। तो ये आप जरूर याद रखिए कि जो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां सदस्य देश बना है वो क्रोएशिया बना है। जर्मनी के बाद हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला चीन विश्व का दूसरा एवं एशिया का पहला देश बन गया है।
हाइड्रोजन जो ट्रेन है वो शुरू करने वाला विश्व का पहला देश जर्मनी है और दूसरे स्थान पर चीन बन गया है। भारत जनवरी 2023 से 4 वर्ष के लिए एशियन पैसिफिक कोस्टल यूनियन का नेतृत्व करेगा। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने एशियन पैसिफिक कोस्टल यूनियन के महासचिव का पदभार ग्रहण किया। भारत ने वर्चुअल रूप से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की मेजबानी की। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट का 18वां संस्करण हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है। भारत सूडान और दक्षिणी सूडान की सीमा पर अबेई में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल के लिए महिला शांति सैनिकों की एक पलटन तैनात करने जा रहा है। यह तैनाती शांति रक्षक टुकड़ियों में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के भारत के प्रयासों का हिस्सा है। विश्व आर्थिक मंच ने हैदराबाद तेलंगाना को चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र की स्थापना के लिए चुना है। या जरूर याद रखें कि जो चौथे औद्योगिक क्रांति के केंद्र है उसकी जो स्थापना है वो की जाएगी हैदराबाद के तेलंगाना में। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा तीसरे इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में हमारा अंतिम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत विकासशील देशों के लिए विकास समाधानों पर शोध करने के लिए एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करेगा। दोस्तों, इसी के साथ एजुटेरिया करंट अफेयर बुक के नए एडिशन में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित वन लाइनर करंट अफेयर हमारा पूरा होता है। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका GK को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।